हेलो एंड वेलकम टू ए न्यू ट्रेन जर्नी। और आज मैं जर्नी करने वाला हूँ देहरादून शताब्दी में। ट्रेन नंबर है 12018 और आज मेरा कोच है 3755। लेकिन इसमें एक ट्रिक है आज जो मैं कर रहा हूँ इस प्रीमियम ट्रेन में, वो मैं जब ट्रेन आएगी उसमें बोर्ड करूँगा उसके बाद बताऊँगा। काफ़ी दिनों बाद मैं किसी प्रीमियम ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ, बहुत महीने हो गए, मतलब अब तो छोटी यात्रा होने वाली है। अब देहरादून शताब्दी है ये, लेकिन मैं इसको बोर्ड करूँगा सहारनपुर से जाएंगे गाज़ियाबाद तक। लगभग 2 घंटे की जर्नी है, तो आपको पूरी दिखाई जाएगी एक पैसेंजर कैसे यात्रा करता है ट्रेन में। उस तरह की वीडियो बनाऊँगा, उससे का व्लॉग बनाऊँगा। इस बार व्लॉगर नहीं, एक पैसेंजर की तरह। तो अभी ट्रेन आएगी, उसका अराइवल दिखाता हूँ। यहाँ पर उसका होगा लोकोमोटिव रिवर्स, जो वेब 7 होगा वो जो आएगा पीछे जाएगा, फिर वो आगे जाके फिर आगे अटैच होगा। और अभी ठंड हो गई है, अब मेरी शक्ल देख सकते हो, थोड़ी बहुत नींद भी आ रही है। सुबह से जर्नी कर रहा हूँ तो थका हुआ हूँ थोड़ा। फिलहाल टाइम हो रहा है लगभग 7:30 और ट्रेन बस आने ही वाली है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आती है, बस पहुँचने वाली है वो। उसका यहाँ से अराइवल लेंगे सहारनपुर पर। जनवरी का तीसरा ब्लॉग मेरा ये 2023 का। C7 कोच है मेरा, लेकिन सीट है जो मेरी है 55, लेकिन यहाँ कोई बैठा नहीं है अभी। और ऊपर बैगेज भी नहीं है, जैसा देख सकते हो ऊपर बैगेज भी नहीं है, तो फिर बैठ यहाँ आराम से बैठ सकता हूँ। अगर नहीं आता तो और अच्छी बात है, ज़्यादा बड़ी जितनी भी नहीं है, ऐसी इसी पे जाए तो अच्छा है एकदम कोने में। क्योंकि अगर बाहर जाना पड़ा कोई शॉर्ट लेने इजी पड़ेगा, नहीं तो जो मेरी सीट है वो थोड़ा उससे दूर हो जाएगा। जो मैं बोल रहा ट्रिक के बारे में वो है कि मैंने ऑप्ट किया है नो फूड ऑप्ट किया है कि कोई भी खाना नहीं खाना मुझे। अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं देख मांग लेता हूँ, और उसका बिल भी लेंगे और दिखाएंगे कि विदाउट फूड ऑप्ट करके उसका बिल क्या आता है, कितने का पड़ता है। केटरिंग चार्जेस में था पता लग ही जाता है, लेकिन अलग से अगर नो तो क्या होता है वो भी पता चलना चाहिए। टाइम हो गया है डिपार्चर का ट्रेन का, बस 2-3 मिनट में डिपार्चर करने वाली है यहाँ से। डिपार्चर टाइम है 19:55 और गाज़ियाबाद पहुँचेंगे लगभग 10 बजे। देहरादून शताब्दी में काफ़ी टाइम बाद में जर्नी कर रहा हूँ व्लॉग बनाने के लिए पहली बार, और अपना इंजन आगे लग चुका है, वो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि फिर वहाँ जाओ आओ तो थोड़ा वो होता है। मैंने आपको जो है इंजन आता हुआ दिखा दिया था, तो अब दिखाता हूँ डिपार्चर। तो ये सीट यहाँ कम्फर्टेबल है, ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है मुझे, काफ़ी अच्छी कुशनिंग है इन सीटों की, ये ट्रे टेबल सही लग रही है, तो अच्छी। यहाँ कुछ भी रख के खाना है तो खा सकता हूँ, जो भी लाया हूँ वो मैं दिखाऊँगा। लेग रेस्ट भी सही लग रहा है, ढीला सा हो गया, ये टूट गया है, बाकी ठीक है। 3x2 का कॉम्बिनेशन होता है। डिपार्ट करने के लिए रेडी, सब लगभग आपको दिखाई दिया मैंने, और एकदम कोने वाली सीट पे बैठा है। तो दरवाज़ा ये रहा हमारा, थका हुआ था मैं सुबह से जर्नी कर रहा हूँ, जो पहले 2 जर्नी की सहारनपुर तक आया, अब यहाँ से वापस जा रहा हूँ। और मैंने जो टिकट के लिए फेयर पे किया है वो किया है 535 विदाउट फूड,
और अब दी मेट्रो ट्रिप कोच होते हैं 10 शेयर करके और 2 होते हैं एग्जीक्यूटिव क्लास के कोच। आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। स्टेशन आएंगे वो आएंगे 2 मुजफ्फरनगर और मेरठ सिटी जंक्शन 2 आएंगे पूरी जर्नी में। कुरकुरे लिए हैं और ये बिस्किट लिए कोकोनट बिस्किट, ये 2 ही चीज़ ली। तो मेरा थोड़ा मन कर गया क्योंकि चाय चाहिए थी, मुझे चाय नहीं थी, चाय मिलेगी नहीं, मन कर गया खाना खा के देख लूँ कैसा है, आगे देखते हैं कैसा है, फिर उसका रिव्यू भी देख देंगे। कब बिल मिलता नहीं मिलता, कितना प्राइस है वो उसको बाद में बताएंगे, फिर खा के देखते हैं खाना क्या मंगाया है, अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये खाने में ये है दाल, ये नॉन वेज है, नॉन वेज समझ सकते हो चिकन होगा, और ये चावल थे यहाँ पे तो मैंने चावल हटवा के रोटी करवा ली है, चावल नहीं खाने मुझे। ये रोटी है, पराठे हैं 2, वो गर्म है, दोनों ही गर्म है। और ये दही मिला है, अचार शायद नहीं मिला है, इसमें कटलरी है, अचार है, कटलरी वुडन वाली है, ये यहाँ अचार दे रखा है, ये है खाना। तो इसमें एक स्पून दे रखी है और टाइम देख सकते हैं अब 8:15 हो रहे हैं। ये है खाना, खाते हैं फिनिश करते हैं तो फिर आपको बताएंगे टेस्ट कैसा है। ये अच्छा लग रहा है चिकन मुझे देख के, और दाल भी अच्छी लग रही है। ख़त्म करते हैं। तो अभी आगे मैं वॉशरूम में, तो आपको वॉशरूम कंडीशन दिखा दो। शीशा थोड़ा बहुत ऊपर गंदा है, लाइट है ऊपर, आगे ठीक है, फिर टैप में पानी आ रहा है ठीक, इसमें साबुन है और अच्छी बात है, शेविंग पॉइंट है यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे के लिए है, सामने के लिए। जब फ्रेशनर होता था वो नहीं है, पॉजिट है, बायोटॉयलेट है वो ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, ये प्लस बटन जो है बहुत बढ़िया है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें वो नहीं है, जो फ्रेशनर होता है वो नहीं है, बाकी सब ठीक है, क्लीनलेस अच्छी है इसकी, प्रॉपर क्लीन है, बहुत बढ़िया है। एक वॉशरूम अच्छा कहा तो दूसरा देखो, चोक कर दिया है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, ये गलत बात है भाई, एक को अच्छा कह दिया मैंने तो दूसरा यहाँ ख़राब हो रहा है, अब किसी को बोल के सही कराना पड़ेगा। ये यहाँ सही है, डस्टबिन रखा है, पन्नी लगी हुई है, फायर एक्सटिंग्विशर है, और यहाँ पे ये बताने के लिए कि खाली है हमारा, बस इसकी डोर ओपन है, ये गलत है, इसकी डोर ऐसे क्लोज होनी चाहिए, ये गलत है, बाकी वो अंदर जो पानी फैला हुआ है वो गलत है। तो अभी ने उसको बोल के करा दिया, और अभी जो स्टाफ ने बिल्कुल अच्छे से इसको साफ कर दिया है, पानी जो चौक हो रहा था उसको हटा दिया है, बहुत बढ़िया।
We shall look forward to have your company with us soon. Thank you. तो 58 किलोमीटर की जर्नी हो गई है सहारनपुर से, पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर और लगभग 45 मिनट में हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर। खाना जो खाया भाई बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा बोलूँगा, बहुत बढ़िया खाना था। नो फूड ऑप्ट किया था, फिर मैंने लिया कि अगर ऐसा होता था क्या होता है, अब देखते हैं बिल क्या होता है, कभी मंगाया नहीं मैंने। और मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं, यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है सिर्फ, और वॉशरूम ठीक था, और ओबीसी साहब को बोला कि एक वॉशरूम पानी भर गया था, उसने क्लीन कर दिया, काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। और कोच के अंदर से हालात जो है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है कि कुछ ट्रस्ट टूटे हुए हैं, ऊपर नीचे हो रखे हैं, ऐसी चीज़ें कोच के अंदर आने के बाद जो मैंडेटरी चीज़ होती है, आइसक्रीम वनीला फ्लेवर खा रहे हैं ऐसे भी। और यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट है, अब मैं आपको दिखाता हूँ मुजफ्फरनगर से डिपार्चर, बिल्कुल टाइम से तो नहीं, मतलब 5 मिनट डिले चल रही है अभी ट्रेन हमारी। तो टाइम से 10 मिनट लेट हम आ गए हैं मेरठ सिटी जंक्शन, और यहाँ तक हमने मुजफ्फरनगर से 56 किलोमीटर 56 किलोमीटर मुजफ्फरनगर से 125 किलोमीटर के आसपास हमने कवर कर लिए हैं सहारनपुर से मेरठ सिटी तक। यहाँ भी 2 मिनट का हॉल्ट है, 10 मिनट लेट चल रहे हैं अभी। थोड़ा मैं बाहर चलता हूँ, थोड़ा देख बाहर के थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ। तो बाहर के नज़ारे कुछ ऐसे हो रहे हैं, थोड़ी ठंड है और ठंड लग भी रही है बाहर, अगर हाथ लगाओ तो, चाहे हैंड हैंडल हो या कुछ हो। अभी थोड़ा ब्लॉगर जाग गया एक पैसेंजर के अंदर का, इसलिए आपको थोड़ा गेट से दिखा रहा हूँ मैं डिपार्चर। और ये जंक्शन इसलिए यहाँ से एक लाइन चली जाती है अपनी हापुड़ जंक्शन की तरफ, तो अगर मेरे को दिखती है यहाँ पे यहीं से दिखेगी वैसे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे डिपार्चर देख लो आप मेरठ सिटी जंक्शन का, टाइम से 10 मिनट लेट चल रही है अपनी ट्रेन देहरादून शताब्दी। खाना की बात करूँ, खाना बहुत बढ़िया था, आइसक्रीम जैसी तो नॉर्मल होती है वैसी थी, खाना बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया खाना खा कर। प्लेटें थोड़ी छोटी हो गई हैं बस, वो एक दिक्कत है, लेकिन खाना बहुत बढ़िया था, थोड़ी बड़ी प्लेट में खाना मिलता था।
बस पहुंचने वाले हैं गाजियाबाद, जो मेरी डेस्टिनेशन है। और छोटी ट्रिप में जो चीज़ें हुई बताना चाहता हूँ कि खाना अच्छा था, उसके बाद फीड पे फॉर्म भी लिया, देख सकते हैं स्क्रीन पे, फीड पे फॉर्म भी लिया, उसको भर के मैंने पूरा प्रॉपर दिया। और जो कमियाँ थी वो भी लिख के दी, जो कोच में कमियाँ थी कि सीट का प्रॉब्लम थी, फुट रेस्ट टूटा हुआ था, और ये जो कर्टेन है, विंडो कर्टेन ये ख़राब था, तो वो भी लिखा मैंने। और जो वॉशरूम में प्रॉब्लम हो रही थी वो तुरंत वो ओबीज स्टाफ आए और उन्होंने सही किया, वो भी एकदम तुरंत की तरह सॉल्व किया, वो भी अच्छा लगा मुझे। अब शताब्दी का थोड़ा क्रेज खत्म हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है कुछ मेरे को पता नहीं, वंदे भारत आ रही है क्या हो रहा है वो तो डिपेंड करता है, बाकी आधा कुछ बता था आधा खाली। पहुँचने वाले हैं गाजियाबाद, आपको दिखाता हूँ अराइवल गाजियाबाद में। लगभग समय से 15 मिनट लेट हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद जंक्शन, 2 मिनट का हॉल्ट है अपनी देहरादून शताब्दी का। जर्नी में मेरे को मज़ा आया, टोटल जर्नी थी 2 घंटे की और 161 किलोमीटर की, मज़ा आ गया, खाना बढ़िया, सफ़र बढ़िया, काफ़ी अच्छा लगा सफ़र करके, मज़ा आ गया। ट्रेन का डिपार्चर लेता हूँ, फिर मैं घर जाता हूँ, अगली जर्नी में मिलते हैं, इस जर्नी में इतना रखते हैं। आपको मज़ा आया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भूलना मत। ट्रेन का डिपार्चर दिखाता हूँ, फिर बाय बाय, अपना ख्याल रखो, जय हिंद, खुश रहो, जो कर रहे हो करते रहो, बाय। पटना जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1, थैंक यू। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 04 को जाने वाली अपने निर्धारित।